हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राधिका, राधिका की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, आज छत पर से मैं ये कटिंग लग के आई हूँ। बहुत बड़ा हो गया था ये, एकदम लंबा, तो काट काट के इसे मैं अभी पानी में रखी हूँ, बाद में इसे लगाऊंगी। एक बोरी है, उसी बोरी में मिट्टी उट्टी भरी हूँ, उसी में सब गाड़ दूंगी। नए नए कल्ले आएंगे। देखिए कैंची से यहाँ से काटे हैं, ये इसका जड़ है। अब यहाँ बगल से नया नया कल्ला निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। देखिए मिट्टी में इसी तरह से, ये छोटा है, इसे छोटे पॉट में किसी में मैं लगा दूंगी। ये छोटा सा एकदम है, इसमें देखिए मालूम है, पंखा भी चल रहा है, पौधा एकदम हरा भरा रहेगा। इसमें छत पे गर्मी में सब सूख भी रहा था, मुरझाया हुआ था, अब इसे अलग अलग लग जाएगा तो ठीक रहेगा। मनी प्लांट देख लीजिए, ये भी इतना बड़ा है। पानी में ही इसे मैं रखी थी, देखिए पानी में इतना नया नया ग्रोथ आ गया अपने आप। अब यहाँ से इसे काट के मिट्टी में गाड़ूंगी। ये देखिए इसका जड़ है। पहले मुझे दोस्तों पता नहीं रहता, तो पहले मैं सोचती थी कि ये तो ये कबाड़ा है, यहाँ यहाँ जो रहता था सब रूट निकलते थे, ये सब पहले मैं काट देती थी। एक बार मेरी बेटी लाई थी बनारस से अपने आंटी के यहाँ से, तो ये सब मैं काट देती थी, लेकिन अब पता चला कि ये सब जड़ है इनके। ये सब अगर आप लगा रहे हैं स्टैंड, उसमें काले जो डंडी रहता है गाड़ के, तो उसमें लपेट देंगे चारों तरफ से, ये जो जड़ है उसी में चिपक के बढ़िया से आपका पौधा बड़ी बड़ी पत्तियाँ होंगी। पानी में ही रखे थे दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी देखिए रूट आ गया इसमें। जैसा हम ध्यान देंगे पौधों को, उसी तरह से पौधे हमारे रहेंगे। देखिए नई नई पत्ती भी आ गई है। पानी भी इसका हम बदले नहीं थे, जब जाते थे पाइप से पानी डालने के लिए तो इसी तरह से छिड़काव कर देते थे बस। ये देखिए सड़ गया था एकदम, टूट गया। अब इसे कुछ छोटा छोटा करके तब रखेंगे। आज बहुत पत्ती, हम बहुत ब्रांच काट के लाई। ये भी देखिए लगी लगी पत्ती हो गई थी सर, देख रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा बड़ा हुआ है, देख लीजिए। सब इसे छोटा छोटा करके हम लगाएंगे कहीं पे। इसी तरह से काट देंगे मिट्टी में, यहाँ से भी रूट निकलेगी और इसमें से छोटा छोटा फ्लावर भी निकलता है। देखिए लगा था जहाँ पे बहुत, देखिए धूप में था नहीं ज़्यादा, छाया में था, इसलिए इसकी पत्ती देखिए हरा हरा लग रहा है। आज धूप में रख के आए हैं पॉट को, इसको इसी तरह से काट देंगे। इस समय टमाटर समाटर के पौधे सब खत्म हो गए हैं, यही सब लगाएंगे तो हरियाली बनी रहेगी हमारे गार्डन में। देखिए इसमें नए रूट आ गए हैं, ये देखिए सूख रहा था बेचारा, देखिए जड़ आ गया है। जब प्लांट के पास आप जाएंगे देखेंगे, तभी समझ में आएगा किस प्लांट को हम क्या करें। अब नया अगर सोचेंगे कि नहीं हमें नया लेना है,
तो नए के चक्कर में ही परेशान रहेंगे और जो आपके पास है उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब हम तो नया के चक्कर में अब ज़्यादा पड़ते नहीं, फालतू पैसा नहीं वेस्ट करना है, जो हमारे पास है उसी में खुश रहेंगे हम। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दूर आ गई सिर्फ पानी में, आज हम पानी में बदल के में रखेंगे और कम छोटा छोटा काट के। यहाँ से पत्ती काट दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए कि यहाँ से भी एक कल्ला निकलेगा। हम इतना मिट्टी में इसे गाड़ेंगे, इतना मिट्टी में गाड़ेंगे और फिर भी, और लेकिन इसकी मिट्टी जो है ना एकदम, उसका जो पानी है रुकना नहीं चाहिए पॉट में। इस्तेमाल करेंगे वो नीचे छेदा बहुत अच्छे से रहना चाहिए उसका, छेदा जब ज़्यादा रहेगा तभी पानी जो है आप डालेंगे तो पानी धीरे से नीचे से गिर निकल जाएगा, अगर कम छेदा रहेगा तो पानी निकल नहीं पाएगा, तो ये गल जाता है बहुत जल्दी, इसकी रूट गलती है दोस्तों। ये सब पत्ती हरी हरी है, सब छाया में रखने की वजह से सब हरी हरी पत्तियाँ हैं। अभी धूप में इसे रखेंगे तो इसकी यही पत्ती इसकी हरी हो जाएगी, वो लाल में हो जाएगी, मैरून कलर में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। अब इसे लगा लूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी।